नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन है, जहां आज बजट पर चर्चा होगी। वहीं चर्चा के दौरान आज फिर भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। बता दें कि 2022 फरवरी की वित्तीय मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,90,242,43,00,000 रुपए का बजट प्रस्तुत किया। बता दें बजट सत्र का आज आठवां दिन है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज बजट पर चर्चा होगी और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, बजट का आज बजट पर चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का आज आठवां दिन है, आज भी बजट पे चर्चा होगी और बाकायदा जो है जो अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन होगा। और इसके पहले जो कल जो मुठभेड़ में जो आरोपी मारा गया है उस पर भी सदन में बात हो सकती है। इसके पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ स्टेट किया था, साफ यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी माफिया है उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य सरकार करेगी। और कल जो है वो रविवार के दिन, कल जो है वो सोमवार के दिन जिस तरीके से मुठभेड़ में उस आरोपी को मारा गया, तो कहीं ना कहीं सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए नज़र आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह में जो मुख्य गवाह जो आरोपी था, उसमें से एक की मुठभेड़ में मौत हो चुकी है, बाकी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है लगातार इसको अपनी तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। उस लिहाज से देखा जाए तो आज सदन में हंगामा भी हो सकता है। और जिस तरीके से बात की जाए कि लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है और सदन में इसकी जोरदार चर्चा नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच देखने को भी मिली थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया था कि जो भी माफिया हैं, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य सरकार करेगी। और इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिली थी। कल मुठभेड़ में एक आरोपी के मारे जाने के बाद बाकियों पे भी जोरदार कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी के बीच ये सारी चीज़ें बताई और तमाम तरह की चीज़ें सदन में आज चर्चा का विषय रहेंगी। बजट पे बात होगी और जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार गलत नीतियों की बात बता के, जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी नीतियों की खामियों को बता के उस पर हमलावर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल की हुई कार्रवाई का क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेगी और अपने मुख्यमंत्री के संबोधन की बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं का राज अब चला गया है, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि अतीक अहमद जो है वो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। उसके बाद बसपा ने भी इस मामले में एंट्री ली थी, उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को अगर जांच में दोषी पाई जाती है तो बसपा से निष्कासित कर दिया था। तो काफी हंगामेदार रहने वाला है आज आठवां दिन। आज विधानसभा सत्र का आठवां दिन है, बजट पर चर्चा होगी, वहीं हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो विपक्ष आज किन मुद्दों को उठा सकता है और सरकार कितनी तैयार है? देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि विपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाया था। राष्ट्रीय महासचिव सपा के शिवपाल यादव ने स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाया था। उसके बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनको जवाब भी दिया था और जिस प्रकार से आंकड़े उन्होंने बताए थे कि कितने ऑपरेशन रोज, सर्जरी रोज मुफ्त हो रहे हैं, कितने लोग उनके उत्तर प्रदेश में रोज दिखाने आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, कितने लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही है, और एक आरोप के ऊपर एक प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया था। उसके बाद एम्स से डॉक्टर रही थी और मछलीसर से सपा की विधायक रागिनी सोनकर ने भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया था, क्योंकि वो पहले डॉक्टर रह चुकी हैं और उन्होंने तमाम तरीके की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं।
इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी हमने देखी किस प्रकार से विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठा चुका है, किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा चुका है, जिस प्रकार से देखा जाए रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठा चुका है, महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठा चुका है। तो कई तरह के मामले आज रहेंगे। जातिगत जनगणना पे बात हो चुकी है, लगातार विपक्ष सरकार पे दबाव बना रहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि जिन लोगों की भी जितनी भी हिस्सेदारी है उसको आंकड़ों में पता किया जा सके और उनके लिए लाभबाउंड्री योजनाएं बना सके। तो आज का दिन भी काफ़ी हंगामेदार होने वाला है मयूनी, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार सदन के हर दिन पक्ष पे यानी नेता सदन और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उन पे हमलावर रही, तो आज के दिन भी काफ़ी हंगामेदार होने की बात कही जा सकती है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की घोषणाओं को गांव-गांव और गली-गली तक जनता के बीच पहुंचाएगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए योजना पहुंचाएंगी। केंद्र के कामकाज की कार्य योजना बीजेपी ने बनाई, जिसके लिए भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने रणनीति बनाई है। वर्चुअल बैठक के जरिए रणनीति बनाई गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए मयूरी, कल जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, वो और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह कल दिल्ली के दौरे पे थे। पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई और संगठन में बदलाव और विस्तार की बात कही जा रही थी। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया था और राष्ट्रपति ने भी उस पर अपना अभिभाषण दिया था। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ज़्यादा समय इसमें बना नहीं है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विधानसभा में अपना बजट पेश किया, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया था। इसके बाद लगातार जो केंद्र सरकार का बजट है उसकी विशेषता बताने के लिए सभी सांसदों मंत्रियों को कहा गया था और लगातार जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जाके इस बजट की विशेषताएं बता रहे हैं कि क्या इस बजट में कुछ खास है, किन के लिए खास है, क्या कुछ अलग है। किसानों के मुद्दे पर वो अपनी राय रखेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, स्वास्थ्य के संबंधी मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, शिक्षा पर अपने मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। इसके बाद जो संगठन है नेताओं और मंत्रियों के बाद जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश में जाके अलग अलग जगहों पे जाके बजट की विशेषताओं को बताएगा, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो सुचारू रूप से चल रही हैं उसको बताएगा, एक एक नागरिक को बजट के लिए जागरूक करेगा, योजनाओं के लिए जागरूक करेगा। सीधे तौर पर देखा जा सकता है मयूरी की इसके पहले कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई। आगामी लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, में 80 लोकसभा सीटें हैं और ये हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ लोकसभा की हैं, 80 सीटें हैं, यहाँ जिसने मैक्सिमम ज़्यादा सीटें जीती तो वो लीड करने का उसको मौका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 72 से ज़्यादा उसके घटक दल ने यहाँ पर सीटें जीती हैं और तीसरी बार भी ऐसी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कमर कस चुकी है। इसीलिए से भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह ने संगठन विस्तार की बात की, कल प्रधानमंत्री से उनका मिलना हुआ, पार्टी आलाकमान से उनका मिलना हुआ। इसके बाद लगातार ये लोग अपने क्षेत्र में जाके बजट की विशेषताएं बताएंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास है, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि निकाय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सके। मयूरी, तो विवेक, जो बजट की घोषणाओं को गांव-गांव और गली गली तक जनता के बीच पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है, इससे चुनाव में कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मयूरी, हमने देखा है जिस प्रकार से राशन दिया गया था कोविड के बाद से, वो राशन लगातार अब तक चालू किया गया है और 2022 विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुन के आई थी तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा राशन और थोड़ा प्रशासन इसका बेहद योगदान था। राशन की जो योजना थी और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात सरकार करती थी इसकी वजह से ही 2022 में दोबारा चुन के आई है। 34 साल बाद ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करके आई हो, कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दोबारा चुन के आया हो। 34 साल बाद ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में किसी को दोबारा मौका दिया है, ऐसा कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश दोबारा मौका
किसी को नहीं देता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा मौका दिया। केंद्र में भी दो बार मौके मिले, देश में मोदी सरकार को मौका दिया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को मौका दिया, और आने वाले समय में एक साल से भी कम का समय है, लगभग 10 महीने का समय है, और इसमें देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये लोग गांव-गांव क्षेत्र में जाके केंद्र सरकार की योजनाएं और बजट की चर्चा करेंगे, लोगों को बजट के बारे में जागरूक करेंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे, उससे साफ स्थिति स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है और गांव-गांव में अपने संगठन के लोगों को, मंत्रियों, नेताओं को भेज रही है ताकि इस बजट पे जितनी विपक्ष ने इस पर जो कमियां दिखाई थी, जो आपत्तियां दर्ज कराई थी, उससे लोगों का ध्यान हट सके, जो लोगों का ध्यान हटे और इस बजट की जो विशेषताएं हैं, जो खासियत है, जो आम लोग के लिए योजनाएं हैं, उस पर उसका ध्यान फोकस हो सके ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और बेहतर हो और केंद्र में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर मोदी सरकार बन सके। तो कहीं ना कहीं फायदा तो मिलने ही वाला है, इसके पहले भी फायदा मिलते हुए हमने देखा है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।